हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो देखिए, सुबह में 9:30 हो रहे हैं, 9:30 हो रहा है। मैं ऊपर आई हूँ क्योंकि कल दिल्ली में इतना मौसम इतना ख़राब हो गया था। बारिश इतनी ज़बरदस्त हो रही थी, बहुत तेज़ तो नहीं हो रही थी, पर हाँ अच्छी खासी ठंड कर दी है बारिश ने। तो हाँ, प्लांट्स को भी अब पानी देने की ज़रूरत ही नहीं है पड़ रही, क्योंकि बारिश हो गई है, सब मिट्टियाँ गीली हो गई हैं अच्छे से। और ये देखिए मेरा मोगरा का प्लांट कितना अच्छा हो रहा है, एक भी पत्ता अभी तक इसका सूख के गिरा नहीं है। तो मैं बात कर रही थी मौसम की। तो परसों मैं अच्छे से सफाई करके गई थी और थोड़ा सा रह गया था, क्योंकि बेटी मेरी वो तंग करने लगी थी, तो मैंने कहा चलो कल आते हैं। तो पर कल इतनी बारिश हो गई है कि कल तो आना ही नहीं हुआ, और मौसम बिल्कुल अंधेरा हो गया था। तो मैं यहाँ से सब करके मैं यहीं ऐसे करके छोड़ के चली गई थी। तो ये देखिए, ये मेरा, मैंने सोचा सूखे पत्ते हैं उठा लूँगी और इसको किसी पोट में फिल कर दूँगी, पर बारिश होने की वजह से ये सब गीला हो गया। मुझे यहीं छोड़ के इसको धूप में ड्राई होने देना है, और गीला कचरा तो मुझे अच्छा नहीं लगता भरना, और अभी मुझे कोई ऐसा पौधा भी नहीं लगाना है। और ये देखिए मेरा लिली का प्लांट, स्पाइडर लिली कितना अच्छा हो रहा है, जो इसकी पत्तियाँ वगैरह ख़राब हो रही हैं मैं हटाती रहती हूँ साथ के साथ। और बाकी मैं आपको अपने फ्लावर्स दिखाती हूँ। तो ये देखिए कॉस्कोम में कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, ये देखिए। और अभी भी एक जोरा अच्छे से खिल रहा है, ये देखिए, अभी से कलियाँ बनी हैं। और एक ये रहा और एक ये रहा। अच्छा, आप अब जैसे मौसम चेंज हो रहा ना, तो इसमें कीड़े भी लग रहे हैं। तो मैंने तो खैर पानी की जो पाइप से पानी डालती थी उसकी स्प्रे से मैंने इनके कीड़े हटा दिए, लेकिन अभी भी थोड़े थोड़े से हैं, चींटियाँ आ रही हैं ना, ये देखिए कलियों को खिलने नहीं दे रही हैं। और ये हिबिस्कस में अभी भी बर्ड बने हुए हैं। और ये मेरा कनेर है, ड्वार्फ वैरायटी का है ये। और ये देखिए, हाँ इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है, अभी कलियाँ वगैरह बन रही हैं और ये भी खिलनी शुरू हो जाएगी। हाँ, इस वाले हिबिस्कस में मेरी अभी फ्लावरिंग नहीं हो रही है। और ये इसमें, और बोगनविला में देखिए ये कितने अच्छे से हो रहे हैं। मेरा बड़ा मन है वाइट लेने का, मुझे मिल नहीं रहा नर्सरी में, देखो कब तक मिलेगा। और बाकी ये है मधुकामनी का, इसमें फ्लावरिंग होके ख़त्म हो चुकी है। और ये देखिए मेरा ये है टिकोमा का प्लांट, इसके पत्ते बिल्कुल झड़ गए हैं, क्योंकि जब इसका मौसम चेंज आता है ना, विंटर्स आती है, तो ये बिल्कुल सूखी लकड़ी हो जाता है। तो ये बिल्कुल ऐसा हो गया है, इस टाइम में बहुत जल्दी से पत्ते झाड़ देता है और अब फरवरी में वापस से ग्रोथ करना शुरू कर देगा। और ये कम से कम मेरे काफ़ी साल, 3 साल पुराना मेरा प्लांट है, ये देखिए। और डेंथस में मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इसमें फ्लावरिंग हो रही है, इसकी मैंने पिंचिंग कर दी है तो इसमें अभी नहीं हो रही है। और दिखाती हूँ आपको, ये है कैनेडुला का प्लांट है ना, के आई थिंक यही नाम है, मैं थोड़ा नाम में परेशान हो रही। इसमें भी कीड़े लग गए हैं, देखिए इसमें फ्लावर आ रहे ना, इसमें लग गए हैं, ये कीड़े बड़े ही परेशान कर रहे हैं। इसमें भी मैं अभी नीम ऑयल का स्प्रे करके रखती हूँ। और ये मेरे रोज़ प्लांट्स हैं, इसमें फ्लावरिंग होके ख़त्म हो गई है और ये थोड़ी सी हालत इनकी ख़राब हो रही है, इस पर भी नीम ऑयल स्प्रे करूँगी, तो इस पर कीड़े और डाईबैक की प्रॉब्लम बहुत जल्दी से आती है। और ये पर्सलेन है, इसको भी कटिंग करके हम मुझे रखना है नेक्स्ट ईयर के लिए सेव करके, ताकि अगले साल मुझे ख़रीदना ना पड़े और ये कटिंग से मेरे वापस से ग्रो कर जाए। ये देखिए कि ये मेरा रोज़ है, ये कितना इंग्लिश रोज़ है, ये कितना अच्छे से खिला हुआ है। अब तो काफ़ी दिन हो गए इसे खिले हुए, तो मुरझा सा गया है थोड़ा सा, और ये काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ भी हो रही है। और ये देखिए, और ये इधर है ये पैंतास का, इसको मुझे रिपोर्ट करना है, क्योंकि ये बहुत छोटे पोट में लगा हुआ है और ये कटिंग से भी बहुत अच्छे से ग्रो कर जाता है। अगर आपके पास कहीं आसपास है तो आप इसकी कटिंग ले आइएगा। तो और ये 12 मासी प्लांट है, ये गर्मी में सर्दी में सब में बहुत अच्छे चलता है, इसमें कलर्स भी बहुत आते हैं। मेरे पास पिंक है और बस मैं इसको रिपोर्ट कर दूँगी और ये काफ़ी अच्छे से फैल जाएगा। अभी देखिए इसमें बर्डिंग वगैरह बनी हुई है, तो ये और इसमें कलियाँ बनेंगी। ये है साल्विया का, इस पर फ्लावरिंग हो गई है, अब इसकी प्रूनिंग कर दूंगी मैं, तो ताकि वापस से स्टार्ट हो जाए। छोटे से पोट में लगा रखा है, 8 इंच के पोट में, और ये अच्छे से ग्रो कर रहा है। और ये इधर है ये पैंतास का, इसको मुझे रिपोर्ट करना है, क्योंकि ये बहुत छोटे पोट में लगा हुआ है और ये कटिंग से भी बहुत अच्छे से ग्रो कर जाता है। अगर आपके पास कहीं आसपास है तो आप इसकी कटिंग ले आइएगा। तो
और ये बारहमासी प्लांट है, ये गर्मी में सर्दी में सब में बहुत अच्छे चलता है। इसमें कलर्स भी बहुत आते हैं, मेरे पास पिंक है और बस मैं इसको रिपोर्ट कर दूंगी और ये काफ़ी अच्छे से फैल जाएगा। अभी देखिए इसमें बर्डिंग वगैरह बनी हुई है तो ये और इसमें कलियाँ बनेंगी। और ये मेरा कॉलियस है, ये सब मैंने लगाई हुई है कटिंग से, और एक कटिंग मेरी इधर थी वो मेरी ख़राब हो गई है, जाने क्यों पता, कभी कभी हमें पता नहीं चलता हम इतने अच्छे से केयर करते हैं अपने प्लांट्स की और फिर भी पौधे एकदम से अचानक से ख़त्म हो जाते हैं। ये मैं पिटूनिया के कुछ लेकर आई थी 20-20 रुपए के, इसको भी मुझे रिपोर्ट करना है। एक तो टाइम नहीं मिल रहा, हाथ में चोट लग गई थी तो बस फिर उसमें सारा टाइम चला गया मेरा। अब फिर बारिश हो गई है तो उसमें कल मेरा कुछ नहीं हो पाया। अब मुझे पहले मिट्टी रेडी करनी है, उसके बाद फिर मैं इन्हें रिपोर्ट करूँगी। और ये देखिए मेरा ये डहेलिया का, ये भी मैं छोटा सा ले आई थी क्योंकि अगर बड़ा लेते हो ना आप नर्सरी से प्लांट्स तो फिर वो महंगे मिलते हैं, अगर आप छोटा ले लोगे तो फिर वो सस्ता मिल जाएगा। तो ये भी मुझे 30 रुपये का मिल गया था। और ये देखिए मेरा एक कोलिए से, इसको थोड़ा पानी की ज़रूरत है, उसकी पत्तियाँ थोड़ी नीचे गिर गई हैं एक ही कोलिए से, बाकी सब अच्छे से चल रहा है। ये तो हार्डी प्लांट है तो माशाल्लाह से अच्छे से चलते ही रहते हैं। और ये इधर है, ये मुझे सबसे प्यारा लगता है अपना प्लांट, ये है मेरा इसका ड्रेसिनिया की वैरायटी है ये। इसकी पत्तियाँ भी देखो थोड़ा सा ख़राब हो रही है, इसको भी मैं हटा दूँगी। चेक करते रहिए अपने प्लांट्स को कितनी किसकी पत्तियाँ ख़राब हो रही हैं किसकी नहीं। और ये देखिए एस्पेरेगस से इसमें कितने बीज बनने शुरू हो गए हैं, तो आप भी इस तरह से बीज बन रहे हैं तो ऐसे निकालिए और इसमें से यहाँ से इसके अंदर से निकाल के और मिट्टी में लगा लीजिए, इसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। और ये गर्मी का प्लांट है, बहुत अच्छे से गर्मी में चलता है और सर्दियों में तो ये सब पत्ते वत्ते पीले पड़ के सब ख़राब सा हो जाता है, लेकिन ये वापस से ग्रो कर जाता है। ये देखिए कैसे झड़ रहे हैं। और मेरा ये कनेर है, इसमें कौन सा फ्लावर आएगा मैं मुझे पता नहीं है, मैंने गर्मियों में लिया था और फ्लावरिंग तब तक अभी तक आ ही नहीं है इसके अंदर जाने की, जबकि ये बहुत ही ऐसा प्लांट है जिसमें बहुत जल्दी फ्लावरिंग करता है। ये हो सकता है ये फरवरी में करना शुरू कर दे। तो मैंने क्या करा ना, मैंने 3 पोट में अलग अलग लगाया हुआ था लेकिन मुझे पोट की ज़रूरत थी तो फिर मैंने एक बड़ा पोट लिया 12 इंच का और उसमें ये मैंने 3 प्लांट ही रहे और ये एक साथ लगा दिया। और अभी ज़्यादा अच्छा बुशी और अच्छा लग रहा है, मतलब उसे जो मैंने अलग अलग लगाया हुआ था ना उसके अकॉर्डिंग बहुत ही प्यारा लग रहा है। अभी मैं सोच रही हूँ ये पहले अकलमंदी मैंने पहले क्यों नहीं करी, क्योंकि अगर मैं तब कर देती तो ये मतलब शायद मैं इसकी प्रूनिंग वगैरह भी करूँगी यहाँ से थोड़ा थोड़ा ना, अब करूँगी या फेब में करूँगी, देखते हैं। उसके बाद ये इंशाल्लाह फ्लावरिंग करना शुरू कर देगा। और थोड़ा इसके पत्तों से भी हम आइडिया लगा सकते हैं, जैसे इसके लंबे हैं और जो डॉर वैरायटी का होता है ना उसके थोड़े छोटे होते हैं, उसमें बहुत ही आराम से फ्लावरिंग आ जाती है और वो प्यारा भी बहुत लगता है। कनेर मेरे पास बहुत सारे हैं क्योंकि मुझे पसंद बहुत ज़्यादा हैं। और ये देखिए ये हमारे पड़ोस में एक हमारे पड़ोस में लड़की है, आंटी की बेटी, तो वो अपनी टेरेस की क्लीनिंग कर रही थी दिवाली के लिए, तो उसने फिर अपने जो प्लांट्स में से एक्स्ट्रा जो कटिंग्स वो थी एक्स्ट्रा प्लांट्स हो रहे थे तो उसने मेरे को दे दी। ऐसे ना यहाँ पर इनका घर है तो यहीं से उसने फेंक दी मुझे, भाभी ले लो, और मैंने लेके फौरन ही पोट रेडी किया और इसमें लगा दी। मतलब ये परसों से मैंने कटिंग लगाई हुई है, देखिए कटिंग एकदम एज इट है, कोई मुरझाए नहीं कुछ नहीं हुआ। और इसमें जो कलियाँ बनी हुई थी ना वो फूल भी शुरू हो गए, क्योंकि ये वाइट कलर का था तो मुझे चाहिए था, मुझे वाइट फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद है। और देखिए बर्डिंग वगैरह भी हो रही है, सदाबहार इतना आसानी से ग्रो हो जाता है, लेकिन एक बार बताओ ना आसानी से जितने चल जाता है ना कभी कभी समटाइम ये मरता भी बहुत ही जल्दी है, कुछ आपको रीज़न नहीं पता चलेगा, बस ये ऊपर से काला होना शुरू हो जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा। बस इसका आप अगर इसको आपको रखना है अपने हमेशा के लिए तो आप इसकी बस केयर कम करिए, इसको पानी भी कम दीजिए और इसको फुल सनलाइट दीजिए, बस कोई खाद वाद इसको ऐसे कोई इसकी नीड नहीं है, इतने ही आप इसके लिए करिए आपका चलता रहेगा। हाँ छोटी छोटी कटिंग्स इसने दी है मुझे और मैंने सबको इस तरह से लगा दी तो एक गुलदस्ता सा बन गया, प्यारा लग रहा है ना। बाकी देखिए अब जैसे पत्ते सबके झड़ने शुरू हो गए ना तो थोड़ा हमारा जो गार्डन है खाली खाली सा हो गया, जैसे भरा भरा सा रहता था एकदम रौनक सी रहती थी वो खाली खाली सा हो गया है। चलिए कोई नहीं, अब क्लीनिंग भी कर लेते हैं क्योंकि जिन लोगों को शौक है छतों पे बैठने का धूप में बैठने का वो अब सब छतों पे आना शुरू कर देंगे, तो हम लोग भी बैठ जाते हैं आके क्योंकि इस
वैसे तो दूसरी वाली टेरेस है उस पर बहुत ज़्यादा धूप आती है, लेकिन वहाँ कम बैठते हैं, इधर ज़्यादा बैठ जाते हैं क्योंकि यहाँ प्लांट्स वगैरह अच्छा लगता है बैठना, और इसलिए मैं यहाँ की अच्छे से सेटिंग भी कर रही हूँ और क्लीनिंग भी कर रही हूँ ताकि जब बैठें तो अच्छा लगे, खाना वाना खा लें दोपहर का। और ये देखिए मेरा, ये मेरा लैंटाना का है, इसमें भी बहुत कलर आते हैं। मेरे पास ये येलो और ऑरेंज सी शेड आता है इसके अंदर, ये इसको मैंने कटिंग वगैरह करी थी और ये कुछ शेड में रखा हुआ था तो इसकी हालत ऐसी हो गई थी, तो मैंने निकाल के इसको यहाँ पर धूप में रख दिया ताकि अच्छे से ग्रो कर जाए, क्योंकि ये शेड में रखने की वजह से ग्रो ही नहीं कर पा रहा था और थोड़ी सी इसकी पत्तियाँ भी सूखनी शुरू हो गई थी, टहनियाँ सॉरी। तो मैंने सोचा ये इसे कुछ हो ना जाए, तो इससे पहले इसको कुछ हो तो मैं इसे धूप में रख दूँ ताकि शायद ये प्रॉपर सनलाइट से ठीक हो जाए। ये देखिए बाकी कचरा वचरा इसको मैं सबको समेट देती हूँ। तो बस आज यही थी मेरी छोटी सी शेयरिंग, कुछ काम तो हो नहीं पा रहा हाथ की वजह से, बहुत ही डिले हो गया है। मिट्टी भी रेडी करनी है, एक तो नर्सरी से मिट्टी लाओ तो उसमें पत्थर वगैरह बहुत होते हैं तो उन्हें फोड़ना वोड़ना होता है, उन्हें बनाना होता है, रेत मिलाना होता है, सब करना होता है, तो दोनों हाथ ही ठीक से काम करें तभी काम होगा। बस जैसा हो रहा है मैं कर रही हूँ, और ऊपर आए भी ना भी चैन नहीं आता है, देखना तो पड़ता ही है ना अपने प्लांट्स को किसको क्या हो गया है। अच्छा देखो सब अच्छे से चल रहे थे, तो मेरा एक ये मिली बग का प्लांट है, ये देखिए मैंने यहाँ रखा हुआ था, सफाई कर रही थी ना, तो इसमें देखिए मैंने देखे बड़े बड़े चीटे हो रहे हैं, तो मैंने थोड़ा सा हटा के इसको देखा तो इसमें मिली बग्स लग गए हैं नीचे जड़ों में, ये देखिए देख रहे हो आप। इतना दुख हुआ ना मुझे, मैं कि यार अच्छे खासे पौधे चल रहे हैं क्या ही प्रॉब्लम आ जाती है, ये मिली बग को चैन क्यों नहीं है। तो बस अब इसका भी कुछ देखते हैं, क्या मैं इसका इलाज करती हूँ, मैं इसको काटती हूँ तो इसके जो बल्ब्स वगैरह हैं वो सब निकाल दूँगी, यही मुझे एक सोल्यूशन दिख रहा है, क्योंकि मेरे तो फर्स्ट टाइम मिली बग्स लगे हैं ऐसे रेन लिली में, इससे पहले कभी नहीं लगे, काफ़ी पुराना मेरे पास ये प्लांट है। तो मुझे बस अब कुछ नहीं सोचा, मैं इसे निकाल के मिट्टी के अंदर से और फिर इसको ग्रो करूँगी, तो निकाल के इसको मिट्टी के अंदर से और उसे वापस से फिर लगा के ग्रो करूँगी, यही एक सोल्यूशन है। बाकी दो और भी हैं मेरे पास रेन लिली, वो ठीक चल रहे हैं, इसी में ही आई है प्रॉब्लम, इसकी मिट्टी सूख जाए तो फिर मैं इस पर कुछ ट्रीटमेंट करती हूँ। अभी थोड़ा हाथ भी प्रॉब्लम हो रहा है, और ये देखिए कचरा वगैरह ये सभी मैं ड्राई होने के लिए मैं बस यहीं छोड़ देती हूँ, ये ड्राई हो जाएगा फिर मैं उसे उठा के भर दूँगी। तो देखिए यही थी मेरी छोटी सी शेयरिंग, छोटी तो नहीं कहूँगी, शायद बड़ी हो गई है, जब वीडियो एडिट करूँगी तो मालूम होगा कि कितनी बड़ी वीडियो बनी है। खैर तो बस आप देखिए कितनी अच्छी धूप हो गई है ना, प्लांट्स कितने अच्छे लग रहे हैं, एकदम रौनक सी आ गई है इनके ऊपर। तो मैं भी अब अपनी वीडियो का एंड करती हूँ और अपने काम में लगती हूँ, तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।